दिन आज कथा का प्रसंग राम का विवाह उत्सव भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु रहेगा स्वामी सुधीरानंद जी। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर श्री राम कथा का आयोजन प्रगति भारती के तत्वाधान में कथा स्थल कोनार्द लॉन में कथा हो रही है। श्री राम कथा का पांचवा दिन आज कथा का प्रसंग राम का विवाह उत्सव कथावाचक स्वामी सुधीरानंद जी महाराज ने व्यासपीठ से तथा कह रहे हैं। कथा में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं उनको अंग वस्त्र दे कर सम्मानित किया गया। कथा के बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। भारी संख्या में महिलाएं भक्तगण कथा सुन रहे थे। कथा के आयोजक विनोद कुमार शुक्ला हाई कोर्ट वकील ने मंच पर कथा में सहयोग करने, बचत हिस्सा लेने, संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाकर अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित। आनंद विक्रम सिंह उर्फ अन्नू भैया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सदस्य महेंद्र सिंह छाबड़ा, अनिल सिंह एडवोकेट जगन्नाथ, मनोज सिंह, राजा बाबू गुप्ता, सरोज अग्रवाल की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया और भंडारे के प्रसाद की सभी को बांटा गया। कथावाचक स्वामी सुधीरानंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरा जन्म क्षेत्र जौनपुर है, कर्म क्षेत्र काशी है, ज्यादा समय हमारा काशी में बीता है, काशी से मैं आया हूँ। एक कथा 11 नवंबर से प्रारंभ हुई है। कथा का पांचवा दिन राम का विवाह उत्सव मनाया गया। विदेशी आक्रमणकारी आए, हार कर भाग गए। भारत जैसा था वैसा भारत है, भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। बनारस में ज्ञानव्यापी मंदिर का जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ज्ञानव्यापी मंदिर में जो शिवलिंग मिला है वह सच है, सत्य है, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। ज्ञानव्यापी मंदिर की सफलता मिली है, जिस दिन बाबा विश्वनाथ की कृपा होगी उस दिन कोर्ट का निर्णय आ जाएगा, पत्थर की जांच हो जाए, वास्तव में पत्थर क्या है वह जांच करने नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके मन में खोट है। मंदिर में शिवलिंग मिला है, देश में जितने लोग रहते हैं ये देश का सबका है, जिसको प्रेम है वह देश चलाएगा। इस देश को सनातन धर्मी ही देश चलाएंगे क्योंकि इस देश की मिट्टी में उसका जन्म हुआ है। भारत में मुसलमान के पूर्वज पहले हिंदू थे, चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, तो पहले हिंदू, यहाँ हिंदू जात के अलावा कोई दूसरा जात है भी नहीं। भारत से अरब देश से आक्रमणकारी जो लोग इनको कोकोनट किया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। मंदिर वो बाबा विश्वनाथ का वहाँ पे वो स्थान है। बाबा विश्वनाथ सनातन संस्कृति आज की संस्कृति है, ये हिजरी कब से चला, 1200 साल पहले, 1800 साल पहले, ज़्यादा 1500 साल पहले इन लोगों का हिजरी जो इन लोगों का कैलेंडर आया, और ईसाइयों का जो कैलेंडर आया 2022 चल रहा है, तो 2200 साल पहले, 2022 साल पहले इनका कैलेंडर आया। हमारा जो पंचांग है आज का पंचांग थोड़ी है, हमारा पंचांग तो त्रेता युग से है, हमारा पंचांग सतयुग से है। 17.5 लाख वर्ष पुराना हमारा ये जो राम सेतु तोड़ा जा रहा था, तो नासा के वैज्ञानिकों ने जब उसका रिसर्च किया तो पाया कि ये जो राम सेतु है ये सेतु पुराना है, वो पुराना कितना है, 17.5 लाख वर्ष पुराना उसका डिटेल आया, तब जाकर के बंद किया गया, वो सारी मशीनें टूट गई। तो सनातन संस्कृति को कोई हरा नहीं सकता, सनातन संस्कृति को तोड़ने का प्रयास आज से नहीं चल रहा है, सदियों से चल रहा है, लेकिन जितने लोग आए सनातन संस्कृति को तोड़ने के लिए, हमको हटाने के लिए, हमको हटा नहीं पाए, और सारे लोग अंततोगत्वा हट गए, सारे लोग हट गए, सब लोग हार गए, हार करके भाग गए। भारत जैसा था, विश्वगुरु है, विश्वगुरु रहेगा। और रही ज्ञानवापी की बात, तो ज्ञानवापी में जो शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग सच है, शिवलिंग सत्य है, हम केवल लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम शांति के साथ उसको लेना चाहते, इसलिए कोर्ट का हमने सहारा लिया। जैसे अयोध्या भव्य राम मंदिर बन रहा है, बड़ी लड़ाई के बाद सफलता मिली, तो क्या इसको इस सत्र में मिल जाएगी? किसको? ज्ञानव्यापी मंदिर, ज्ञानव्यापी को सफलता मिली है बाबा विश्वनाथ की कृपा, जिस समय होगी और कोर्ट का निर्णय जिस समय आएगा, उनकी भिगुटी तन जाएगी तुरंत, वो आ जाएगा, वो आने में देर नहीं लगेगा, वो आ जाएगा, उसका एकदम पूरा हर चीज़ मिल चुका है, क्लू है, हर चीज़ है, उसको पैखाई केवल पत्थर की जांच हो जाए, पत्थर की केवल जांच हो जाए कि पत्थर वास्तव में क्या है, और जांच करने नहीं दे रहे हैं, और करने दे रहे हैं का मतलब उनका जो है उनके मन में खोट है, सीधी सी बात है भाई, अगर खोट नहीं होता तो आप उसको उस पत्थर की जांच करवाइए, फब्बारा है कि वो ज्योतिर्लिंग है क्या है। महाराज जी, इस समय देश में सरकार अपनी भाजपा की है, हिंदूवादी की, अब प्रदेश में हिंदूवादी सरकार, तब किस बात की दे रही है? हिंदूवादी सरकार ये विषय नहीं होता है, देश में जितने भी लोग रहते हैं ये देश सबका है, एक मिनट, ये देश में जितने लोग रहते हैं ये देश सबका है,
समझ रहे ना, सबको यहाँ पे रहने का अधिकार है, सब लोग रहे, लेकिन देश कैसे चलेगा इसको जो देश का नागरिक है ना, जिसको इस देश से प्रेम है वही जानता है देश को कैसे चलाया जाता है। ये देश को सनातन धर्मी ही चला सकता है, क्योंकि इस देश की मिट्टी पर उसका जन्म हुआ है। जितने मुसलमान है भारत के अंदर, ये सारे मुसलमान पहले हिंदू थे या अरब।